आप पकड़े गए बेटे। यो मुझे धोखा देने वाला न पैदा हुआ है न पैदा होगा। होशियार। माँ ये क्या? वही तो मैं पूछती हूँ, ये क्या है? गुरु पर गोली चलाता है? गुरु परीक्षा लेने आए हैं माँ, परीक्षा दे रहा हूँ। ये गुरु का भी गुरु हो चुका है माँ, इसको लड़ाई में अब कोई नहीं हरा सकता। मारा मारी से पेट तो नहीं किसी का भर जाता। माँ नहीं माँ, हमें देश की खातिर ये सीखना पड़ेगा। यहाँ चोर खूनी और डाकू बहुत है, इसलिए हम सबको बंदूक और हल दोनों पकड़ने होंगे, तभी हो सकेगा मुकाबला। हमारी बंदूक में ही किसान की हिफाजत है, इसके बगैर और कोई चारा नहीं है माँ। बस हो गया, ज्यादा शेख ही मत बघार अब मेरे सामने। देखो मोहन, अब तुम अपने बाप दादाओं की खेती संभालो। अच्छी बात है, मुझे पैसे दो मैं जानवर खरीद लाऊं। सोनपुर के जानवर अच्छे होते हैं। कितनी खुशी की बात है बेटा, जरूर ले आना। क्यों गुरु जी, आप चलेंगे? ना भैया, और काम है मुझे। लो मोहन, ये लो, तुम्हारे पिताजी ने ये रुपए तुम्हारे लिए रखे थे। देख मेरे बेटे, संभल कर जाना। अच्छा माँ।
अब आप कुछ इनाम दीजिए मुझे। क्यों, अकेली देखकर छेड़ते हो? मैं तो हुजूर की खिदमत का इनाम मांग रहा था। मैं अच्छी तरह समझती हूँ तुम मर्दों की खिदमत और इनाम। मर्दों से बहुत नफरत करती हो, तुम कहीं पुतली बाई तो नहीं? मैं समझती हूँ तुम जरूर डाकू लाखन सिंह। जबान तो खूब चलती है हुजूर की। सिर्फ जबान ही क्यों, हाथ भी खूब चलते हैं। मैंने जैसे तुम्हें सीधा किया है, घोड़े को भी कर दूंगी। चाहिए आप झक मारने के लिए यहाँ वक्त कहाँ है, तुम्हें दूसरी भेंट में सुधार लूंगा। अच्छा, मेरा भी पीछा करने की सोच रहे हो? अगर ये चुटरत की तो मजा चखा दूंगी। तुम्हें अगर मेरी जरूरत पड़ गई तो? ये मोर मसूर की दाल। क्यों नहीं, अच्छी लगती है मसूर की दाल। कुछ बताऊं, ये दुनिया मर्दों की है, औरतें लाख मर्दों का ड्रेस पहनकर निकलें, मर्द हरगिज नहीं बन सकती। औरत और बेल बिना सहारे नहीं रह सकती। मैं तुम्हें सहारा दे सकता हूँ, याद रहे। बेटी गीता, तेरी दीदी नहीं है ये भी? नहीं डैडी, नहीं डैडी। ए रामू, चुप नहीं रहोगे? ठहर तो सही, आज तुझे सारा दिन भूखा मारूंगी, तब समझोगे, भूल जाओगे सारी एकड़ी। डैडी डैडी, देखो नेक्स्ट पाजी को। बड़ा पाजी है, लेकिन खाना नहीं दोगी इसको, ये मैं नहीं मान सकता। बेटी आ गई। देर कहाँ लगा दी? आज पिताजी घोड़े ने ना रास्ते में मुझे गिरा के बहुत जलील कराया। तुमने गुस्से में घोड़े को मार तो नहीं डाला? नहीं डैडी, जिंदा ले आई हूँ। इतना ही ना, और तो कोई झगड़ा नहीं हुआ रास्ते में ना? ये क्या पूछती हो, झगड़ा किए बिना कभी इसको खाना हजम हुआ है? जैसे झगड़ा ही तो करती रहती हूँ, पागल जो हूँ मैं जानबूझकर थोड़ी ही लड़ती हूँ। आने तो आने तो। ए रामू, तुम्हें क्या हुआ है, क्या भूखे हो? ए गीता, रामू को तो भूल गई? नहीं दीदी, रसोई में बहुत काम था, भूल ही नहीं। तुम रसोई के लिए नौकर रख लो, खुद घुड़सवारी ट्रैक्टर चलाना दोनों काम सीख लो। हाय भैया, चुप रहो, हिफाजत के लिए ये सब एक दिन सीखना ही होगा तुम्हें। क्या बोलते हो डैडी? सच्चे बेटी। ठीक है ना रामू? नस्ल के जानवर हैं तुम्हारे? और किसके? दूर ले जा रहे हो? हाँ, शहर बेचने। धर तेरे की, फिर और नहीं तो किस लिए? मैं खरीद लूं? खरीद लो अगर माल है तो। कितना माल? 5,000 मोहरे। एक दाम 2,000 मोहरे। ठीक है, लाओ। शहर तक इनको पहुंचाने में जो तकलीफ और खर्च होता वही बचेगा। हाँ हाँ, लाओ। हाँ, रसीद दे दो मुझे। रसीद तो ये लिख के रखी हुई है, सिर्फ इसमें तुम्हारा नाम भरना बाकी है, साइन भी हो चुके हैं, ये लो। चलो ये काम भी हो गया, वरना शहर जाना पड़ता मुझे। शहर जाने में जो खर्च होता वो बच गया। देखा, हम दोनों ही फायदे में रहना। अब ले जाओ इन्हें। तुम बहुत अच्छे हो भगवान, रोज नहीं तो हफ्ते के हफ्ते जरूर एक ऐसा धंधा करवा दिया करो। Thank you.
सब तो अपने जानवर हैं। हाँ, अपने निशान भी इनके ऊपर लगे हुए हैं। ये यहाँ कैसे पहुंचे? कैसे पहुंचे? ये मेरे हैं। अपने गांव ले जाते हुए रास्ते में पानी पिला रहा हूँ। ये हमारे जानवर हैं। चोरी की है तूने। जानवर चोरी के होते तो यूं एलानिया ना लेकर जाता मैं। ये मैंने खरीदे। पकड़ो मत। इन जानवरों को हमने ना बेचने के लिए भेजा था, ना हमें जरूरत है बेचने की। लेकिन मैं भी झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। नगद मुहरें देकर लाया हूँ। ये रही रसीद। जाली रसीद बनाना मुश्किल काम नहीं है। ये रसीद फाड़कर सच्चाई नहीं छुटला पाएंगे आप। चुप। सच जो हम कहेंगे वो ही होगा। तुमने हमारे जानवर जरूर चुराए, इसके लिए सजा मिलेगी तुम्हें। हम खुद कानून हैं इस इलाके के। ओ, लगता है गंजे के हाथों में नाखून उगाए। इतना गरूर तो खुदा को भी नहीं हजम होगा। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। मेरा खून पीने से पहले जानवर बेचने वाले को पेश करने का मौका तो दीजिए। खूब बहाना सोचा है भागने का, मगर ये नहीं चलेगा। हमारे साथ थाने चलो। बंदूक से मैं घबराने वाला नहीं हूँ। निशाना मेरा हाथ से ज्यादा अच्छा होगा। क्या? तुम्हारी ये जुर्रत? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। इस बंदूक की जद से कोई नहीं बच सका है। तुम भी नहीं बच सकोगे। खबरदार। सुनिए, जिद मत कीजिए। जिद तुम्हारी तरफ से हुई है। रुक जाइए, आखिरी बार कहता हूं, वरना पछताना पड़ेगा। अरे खून डाला। बुजुर्ग को मार डाला। पकड़ लो इसे, पकड़ लो। देख क्या रहे हो? कोई नहीं पकड़ेगा मुझे। मैं निर्दोष हूँ, ये सब जानते हैं। तुम्हारे कहने से जो कोई इसको पकड़ेगा उसे 1000 मोहरे इनाम मिलेगी। देखते क्या हो? पकड़ लो। सोचिए मैंने क्यों मारा है। हिफाजत के लिए मजबूर होगा। यह आप लोग खुद देख चुके हैं। एक निर्दोष को थोड़े से धन के लिए फांसी पर चढ़ाओगे? तुम्हें फांसी लगनी ही चाहिए। तुमने जानवर चुराए, उनके मालिक को मार डाला। ये जानवर मैंने खरीदे हैं। कौन सच्चा है और कौन झूठा, किसी ना किसी दिन जरूर साबित कर दूंगा। सोचते क्या हो? आगे बढ़ो। पकड़ लो।
नहीं, नामुमकिन। हर महीने 100 मोहरे देनी पड़ा करेंगी। मैंने किया है तुम्हारे बाप ने। बाप ने? वो कौन है? बाप मना नहीं कर सकता, तू कम नहीं कर सकता। ये उसी से पूछो जाकर। हाँ हाँ जाता हूँ सूरदास, देखो शमशान जाऊंगा, कब्रिस्तान जाके आऊंगा। सुनो, माँ बदौलत को गुस्सा क्यों दिलाते हो? ये क्या है बछल? मार दूंगा। अरे बबुआ पिस्तल से मजाक मत करो भैया, नीचे करो बाबू, मैं पैसे देता हूँ। अरे ये पिस्तल कैसे चली? मैं तो जाए नहीं। हाथ ऊपर कर लो, अपनी अपनी जगह से हिलो मत। ए, चुप हो जाओ। नन्हे राजा, दे दे ये खिलौना। नहीं, ये मैं नहीं दूंगा, मेरा है। दे दे बबुआ। नहीं डैडी, दूसरी कौन लेकर देगा, असली डैडी भी मर गए। स्वर्णा मोती जल्दी। ए, तिजोरी दिखा। आ गया ना मजा, 100 मोहरे मुझे नहीं दी, अब सारा बैंक लुटा लिया। अरे जल्दी जल्दी कर ला। खोल से। अरे खोल तो रहा। भगवान तू कितना मेहरबान है, ज्यादा नहीं तो रोज दो बैंक जरूर लुटवा दिया करो। सुन लिया ना? हाँ तुम भी उन्हीं के आदमी हो। ये खुद है, तू है, मैं जानता हूँ। तुम मुखबर हो उनके, तुम भी लूट में हिस्सा लोगे। अरे मारो इसको, मारो। इसी ने बैंक लुटवाया है, इसको फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। गांव है या जंगल है, सरकार की तरफ से जब मैं कोतवाल हूँ तो तुम कौन होते हो फांसी का हुक्म देने वाले? जुर्म क्या है इसका? जुर्म क्या है? सैकड़ों डाके डलवाए, इस बैंक में रखी हुई तुम्हारी भी सारी पूंजी लुटवाई है। मेरी पूंजी? ओम तंत्र पुत्र मंत्र। क्या मंत्र पुत्र तंत्र? तू तो मंत्र पढ़ रहा है, तुझे फांसी लगनी चाहिए। फांसी? कोतवाल कितने पापी हो तुम, जरूर तुम मर के शैतान के बंदी बनोगे। अगर जान जाना मंजूर ना हो तो मुझे छोड़ दो। छोड़ दूँ? तुझे छोड़ दूँ? जरूर छोड़ दूंगा, कबूतर की तरह ये छोड़ दूंगा। जैसे हवाई जहाज उड़ता है ना। चलो फांसी तैयार करो। अरे बाप रे, मैं मर गया फिर फांसी? मुझे तो चलना ही नहीं आता, मैं तो नया हूँ। मुझे आता है, मैं चला दूंगा। इस पत्र द्वारा इस मुकदमे का फैसला सुनाया जाता है। मुजरिम बाबू, इसने डाकुओं की मदद करके बैंक लुटवाया है, खूनियों की सहायता भी खून करने के ही बराबर है। मुजरिम को हमारी सरकार भरे चौराहे में फांसी पर लटकाने का हुक्म देती है। सुनो कोतवाल, तुम कभी फांसी पे चढ़ो कितनी तकलीफ होगी, सीधे आदमी को फांसी मत चढ़ाओ, जंगल में भंगी बनोगे। पिताजी का क्रोध हूँ। तुम्हारी औलाद है? नहीं है तो मुझे गोद ले ले, तेरी चिता मैं जला दूंगा, तुम्हारे मैं शराब भी करवा दूंगा। छोड़ दे मुझे यार, छोड़ देना, छोड़ देना। वो बंद करते हो या कपड़ा ठोंसे तुम्हारे मुंह में? क्या बोला कुत्ते? न्याय के मुंह में तो कपड़ा ठोंस चुके, अब मेरे मुंह में कपड़ा ठोंसोगे? सुन ले, तू इंसाफ के नाम पर कलंक है। तू कमीना उल्लू की दूं मैं। मुंह बंद करके आखिर ख्वाहिश बता अपनी। ख्वाहिश पूरी करोगे? जरूर पूरी करेंगे। तो सुन, हंसते खेलते हुए 100 बरस बिताना चाहता हूँ। चुप रहो, क्योंकि तुम्हारी ख्वाहिश नाजायज है, इसलिए बिना पूरी किए तुम्हें फांसी दी जाती है। चलो। तुम
लोग डाकुओं को पकड़ नहीं सकते और बेकसूर को फांसी पर चढ़ाते हो। खबरदार, कोई हिले नहीं अपनी जगह से। कोतवाल, खुद खोलो बेकसूर को। खोलो। नाबिर, कौन है मेरा? बड़ा है मैनेजर। आ जाओ, जल्दी। गीता, थोड़ी देर इसी तरह खेलती रहो, मैं बता रहा हूँ, अभी आती हूँ। अच्छी बात है दीदी। छोकरी का हमने किया और हाथ ये लगा, एक पत्थर में दो कबूतर। सोना, तुम इधर तिजोरी देखो, लड़की मैं देखता हूँ। भगवान, अपने राजन को वो परी दिलवा दे प्यारे, और हम सबको ऐसी ही एक और तिजोरी। हाँ, बड़े राजा बेटे हो। राजन,
जल्दी करो, जल्दी करो, कोई आ रहा है, चलो जल्दी, चलो, मारो भी, जरूरी है, वरना ये हमारे हुलिया बताएगी पुलिस को, तो फिर इसको भी साथ ले चलो, ठीक है, चलो, चलो तुम इस चिड़िया को लेकर खुफिया बंगले पर चलो, वरना मेरे साथ जाएगा। हाँ तो कहीं कुछ और लूटने जा रहे हो? नहीं, काफी हो गया आज के लिए, मुझे सबके साथ यूं नहीं घूमना चाहिए। बुड्ढे को खबर हो गई तो मारा जाऊंगा। बात तेरे की, कितने दिन और अपने बुड्ढे से डरोगे यार, जितने दिन जायदाद नहीं आती मेरे हाथ। हाँ हाँ, चलो आगे बढ़ो, चलो। ये बांट देना सब में, मजा लेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन ये लूट की दौलत राजा है ना, सांपों के मुंह में क्यों डाले चले जा रहे हो यार? इससे बढ़िया मिलेगी ही नहीं कोई जगह, माल की हिफाजत खुद सांप करेंगे, समझे? घास तेरे की। खोपड़ी अच्छी है तुम्हारी राजन, दुनिया में तुम्हारे बराबर दूसरी नहीं होगी। हाँ मानते हो ना, आदिकाल से ही दौलत की हिफाजत सांप करता आया, धनवान की सांप के साथ पुरानी दोस्ती है प्यारे। राजन, करोड़ मोहरे हो जाने पर इनका बंटवारा कर दोगे ना? तुम्हें कोई शक है? आदत करेगी, चला वो। पतला दूंगी मैं।
या मालिक, दोहाई है, कोड़ों से मारा है किसी ने इसको, मारा भी वैश्याना है। हैरानी तो इस बात की कि जिंदा कैसे बची। मगर अब कोई खतरे की बात तो नहीं? बिल्कुल नहीं। नंदिनी, 10 साल तेल जराई से मालिश करो और माजून शमसी 2 आतिशा शहद में चटाओ। जी हकीम जी। हकीम जी, उठने लायक कितने दिन में होगी? 4-6 दिन में ठीक हो जाएगी। गुंडों की इस हरकत को थाने खबर भेज देनी चाहिए। कोतवाल को बुलाता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद जाता हूँ। तुम लोग पहले नाश्ता कर लो। आ बेटी। हकीम जी, मेरी गीता उन बदमाशों का नाम बताने लायक कब तक हो जाएगी? उन बदमाशों को कोतवाल के लिए छोड़ दो बेटी, तुम नाश्ता करो। सरकार और कोतवाल, इनको पकड़ चुके, खुद बदला ले लूंगी। बुरी बात, कोतवाल अगर कुछ न कर पाए तब तुम चाहे जो करना। हमारा कोतवाल तेज और ईमानदार है, वो जरूर कुछ कर दिखाएगा। ठीक है हकीम जी, एक पुराना भी हिसाब चुकाना है मुझे। यहाँ पर है कोई अड्डा गुंडों के उठने बैठने का? है क्यों नहीं, दक्षिण की ओर थोड़ी दूर पर एक होटल है। तो ठीक है, मैं वहीं जाता हूँ, हो सकता है वो आता हो वहाँ। तो मैं भी चलूंगी। ठीक है, चलो। मोहर तो उठा ले, अब मेरे साथ चलना पड़ेगा। दो और दूंगा मैं। अपना आदमी नहीं है यहाँ, अब चल। स्वर्णा, विजयपुर का खजाना रंगपुर उठाकर ले जा रहे हैं ये लोग। मौका बहुत अच्छा है लूट लेने का। दा तेरे की इतने सिवा कहो, कब लूटता है?
बस दो चार रोज में मालूम हो जाएगा। हम लोगों ने अगर लूट लिया तो करोड़ों के मालिक बन जाएंगे हम लोग। कौन है बे? अरे वो सुनना, गजब हो गया। क्यों बे? आप क्यों रहे? हुआ क्या है? एक छोकरा और एक छोकरी होटल में आए। तो फिर दोनों तुम्हें पूछ रहे थे, मैंने हूर दिया तो टूट पड़े। ए, कैसा छोकरा है? सुंदर सा, गोरा सा, खूबसूरत सा, वही ना? वही। बात तेरे की, तो वो छोकरा अपना भेद अब समझ गया है। मगर भेद क्या है? कुछ नहीं यार, गाय बेची थी ना मैंने, अब खुल गया होगा भेद। कुछ भी हो, दो चार रोज में गायब हो जाता। क्यों डर गए? मुंह छुपाते फिरोगे उससे? तुम फिक्र मत करो। राजन ठीक है, जमींदार के बेटे हो, वो बुढ़ा तुम्हें तो कुछ नहीं होने देगा, लेकिन मुझे वो कोतवाल है ना, फट से जेल में ठोस देगा। हाँ। अरे कोतवाल को मैं संभाल लूंगा। ये तो ठीक है राजन, ये लूट खसूट मेरे लिए तो मजबूरी है, मगर ये सब झमेला तुम क्यों करते हो प्यारे? ऐसे ही यूं ही चूहल के लिए। बिल्ली और चूहे का खेल देखा है कभी? ठीक वही खेल सरकार से मैं खेल रहा हूँ। बहुत अच्छे, धर्म सबका ही पैसा है, हाथ तेरे की। लो पीलो, दवा पीलो। नहीं चाहिए, जरूरत नहीं। नंदना ला दे। गीता, दीदी का कहना मान ले, दवा पी ले। दीदी, मेरी जिंदगी में अब बचा ही क्या है, क्यों जीव? ऐसा न कह, तुझे तो लोगों से बदला ले रहा है, उस दिलों की तरह मर जाओगी तुम क्या? ये पी ले दवा। इसे लेप भी करनी है? अच्छा नहीं दीदी। गीता, ऐसे करोगी तो जख्म कैसे भरेगा? यूं कायरों की तरह रोने से क्या फायदा? लगाओ लेप। तुम भी स्वर्णा की ही तलाश में हो क्या? हाँ। उसकी मुझे भी तलाश है, मंजिल एक है दोनों की, दोनों मिलकर जरूर ढूंढ लेंगे। ये काम जल्दी हो जाए तो अच्छा है। क्यों? घर पहुंचना है, गौओं की और गौ जैसी सुशील एक बहू की मेरी माँ राह देखती होगी। बहू कौन है? क्या पता, क्या तुम भी नहीं जानते? खुद चाहे न जान, आंख तो जानती है। तो बताओ ना। आंख जानती है, उसी से पूछो। बताया? जी नहीं। नहीं? मुझे उसकी तस्वीर दिखाओ ना। किसी को बताओगी तुम्हें? चलिए। मोहन, क्यों गीता, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अब तो ठीक है, तो चल जरा सब घूम आए बाहर। हकीम जी से पूछ लिया है? हाँ पूछ लिया है, अब चलो। शमिया, ऐसे छेला आगे चौड़ाई मिलेंगे तुम्हें? इधर आ, मेरी जान, मेरे साथ चलोगी घूमने? नहीं, साड़ी लेकर दूंगा, ये पैंट नहीं अच्छी लगती। साड़ी लेकर दोगे मुझे? Thank you.
जी। कुछ लोगों को देखकर बेहोश हो गई। वही लोग तो नहीं थे, किधर गए हैं? उसी होटल की तरफ गए। आज नहीं बचेंगे मुझसे। दीदी दीदी, ये दोनों राक्षस राजन और स्वर्णा थे। वही दोनों जिन्होंने डैडी को मारा था, हमारा घर लूटा था, उठाकर ले गए थे। स्वर्णा, उन डाकुओं को कोतवाल देख लेगा बेटी, तुम आराम करो। तुम दोनों को देखकर और जोश में आई, जाओ तुम बाहर जाओ। नंदिनी, बहुत दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा था। चोरी के जानवर मेरे पास बेचकर धोखा दिया था ना मुझे, अब तुम्हारी तबीयत खरी करता हूं। बकवास, कोई मैंने धोखा नहीं किया, जानवर मेरे थे, मैं अपने राजन की कसम खा सकता हूं। कसमें सब बेकार हैं, आज तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकते। तुम लोगों में कोई झगड़ा है तो बाहर जाकर लड़ो, हमारा खेल ना खराब करो। तेरे खेल अच्छी तरह जानती हूं। तुम कौन? बताऊं, तुम्हारे लिए मात बनकर आई हूं, तुम्हारे ही खून से मुझे काली मां का खतरा करना है। मगर मेरे खून से क्यों भरोगी? सुनोगे, मेरा घर टूटा तूने, मेरे डैडी को तूने मार डाला, मेरी छोटी बहन की इज्जत टूटी, इन गुनाहों के लिए मैं तिल तिल के तुझे मारूंगी। ये इरादे ये गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा, मैं इंसाफ के लिए लड़ रहा हूं। इंसाफ के लिए मेरे पास आइए, आप अपने हाथ में कानून नहीं ले सकते,
आपको अगर कोई शिकायत है तो मेरे पास आइए। राजन ने मेरा घर लूटा है। राजन ने तुम्हारा घर लूटा है? ये कौन है जानती हो? यहाँ के जमींदार के साहबजादे हैं ये राजन साहब। कोई कमी नहीं इनको पैसे की। इतना बड़ा जमींदार ये काम क्यों करेगा? गलत बात। कुछ गलत नहीं। आप क्या समझते हैं कि जमींदार का बेटा डाकू नहीं बन सकता? क्या जमींदारों के बेटों की हिमायत करने की नौकरी है आपकी? तुम ज्यादा बोल रहे हो। तुम्हें कोई शिकायत हो तो रिपोर्ट लिखवाओ। अब जाओ जाओ। ठीक है जाते हैं, लेकिन जल्दी ही थाने आऊंगा मैं मुजरिमों को आपके सुपुर्द करने। ललिता चलो। जो इल्जाम लगा है क्या वो सच है? बिल्कुल नहीं। क्या आप हर हरे हरे की बात सच मान लेते हैं? आप क्या मुझे जानते नहीं? जानता हूं। पहले आपके बारे में मेरी राय और थी, लेकिन अब वो भरोसा नहीं मुझे। कोतवाल, भूलो मत कि तुम किससे बात कर रहे हो। ये औलाद किसकी है ये तो याद रखिए। उन्हीं की वजह से तो छोड़ रहा हूं। वरना थाने चलना पड़ता तुम्हें। जाओ। तुम लोग सोए नहीं अभी तक? सोचता हूं कोतवाल ने क्यों सजा नहीं दी बदमाशों को, क्यों छोड़ दिया। ये कोतवाल लेकिन सजा दिए बिना छोड़ता भी नहीं किसी को। हम तो ऐसा नहीं समझते। जाने क्यों आप अच्छा समझते हैं उसे? हमारे साथ तो उसने बेइंसाफी ही की है। तुम लोग समझे नहीं उसे। एक कायदे से ये आदमी काम करता है, पक्षपात तो करता ही नहीं। क्या पता, ऐसा तो मुझे नहीं लगा। जमींदार के बेटे की तो इसने हिमायत जरूर की है। उन गुंडों को हमने पकड़ा और उसने आते ही छुड़वा दिया। झूठ। किसी गुंडे को नहीं छोड़ा मैंने। इंसाफ की राह में मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं। यही इंसाफ की मांग है, यही मेरी जिंदगी का मकसद। किसी तरह का मुजरिम हो मैं नहीं छोड़ता, कभी नहीं। चलिए थाने चलना होगा आपको। थाने? क्यों? लेकिन ये तो शरीफ लड़का है। मगर मुझे बिल्कुल ही और खबर मिली है। उसने जानवर भी चुराए हैं और मालिक का खून भी किया। सूर्यगढ़ से आया है ये। नहीं। ये देखिए उनका परवाना। नामुमकिन, नहीं मानती मैं। ये देखो, खुद देख लो। सुनिए, कत्ल मैंने जरूर किया है मगर अपनी हिफाजत में। ये कत्ल देखा है लोगों ने। मगर वो जानवर क्यों चुराए थे? चोरी की थी स्वर्णा ने, मगर मैं उस धोखेबाज के धोखे में आ गया। उसी को पकड़ने के लिए तो मैं आया हूं यहाँ। ये काम पुलिस वालों के लिए छोड़ दो। तो फिर पकड़िए उसे। तुम कौन होते हो मुझे हुक्म देने वाले? चलो थाने। कोतवाल, इसी को पकड़ने से नहीं काम बनेगा। तुम्हें स्वर्णा वगैरह को भी पकड़ना चाहिए। इंसाफ तो यह है कि तुम उन लोगों को भी पकड़ो। लेकिन सबूत अभी इसी के खिलाफ मिला है हकीम जी। चलो। फिक्र मत करो, इंसाफ हमारे साथ है। उसके घर में देर है, अंधेर में। अब चलता हूं। गीता का ध्यान रखना। सुनिए, अगर स्वर्णा भाग गया तो जिम्मेदारी आपकी है। तुम भाग गए तो भी मेरी ही है, ठीक है ना? अब चलो। मगर स्वर्णा को भी फौरन गिरफ्तार कीजिए। अब तो मेरा सारा भविष्य इसी पर निर्भर है। तुम घबराओ मत, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। 24 घंटे में भी आप पकड़ लें तो ठीक है, नहीं तो मुझे खुद पकड़ना पड़ेगा। तुम जेल की कोठरी में हो, याद रहे। इंसाफ तुम्हारा धर्म है, ये तुम भी याद रखना। Thank you.
लाता हूँ, लाता हूँ, दे रहा। हाँ, देता हूँ। क्यों भाई, मुर्गे तो दो चबा गए, पैसे आधे के भी नहीं दे रहे हैं। क्या बकता है? इससे दस गुना बिल है। देता। ये क्या है? एक, दो, तीन। आप बता बेटा कितने हैं? फिर से गिनो बेटे, फिर से। चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस। ऐसे कर। ठीक है ना? ठीक है। हाँ भाग। नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं उसको। क्यों शर्म जाते हो? क्यों ना? क्यों बे? क्यों ना? क्यों ना? पहले बात करना सीखो, पहले बात करना। तुम जो भी लाओगे हम खा लेंगे, समझे? ते भी लेंगे जो लाके। क्या सब पीने वाले आते हैं? जो पीना हो बताओ, ला देता हूँ। बताओ? नहीं तो क्या तुम्हें कहूँ? अब जाओ दो मुर्गे मुसलमान के साथ एक ब्रांड लाओ। दो मुर्गी? एक ब्रांडी? एक ब्रांडी? क्या? मैं पे नहीं सकता या खा नहीं पाऊंगा या पैसे न मिलने का डर है तुम्हें? देखो जाऊँ तो यह होटल इस हाथ से चट्टे खरीदू और इस हाथ से खट्टे प्रदान कर दू। हाँ अब जाओ, अभी ना मुर्गा सूप खिलाओ, सूप पिलाओ, सूप पिलाओ। हाँ समझे? और लाल परी पैसे दीजिए। पैसे? मैं आता हूँ अभी। भाग क्यों जा रहे? पहले पैसे रखो तब जाओ। अबे मुझसे पैसे नहीं था, मैं अभी सारा होटल तुम्हें देता हूँ, मैं अभी देता हूँ। क्यों लगे ना पैसे? हम पता बात मत कर रहा था, पैसे चाहिए। पैसे मांगता है मुझसे, पैसे चाहिए। पैसा निकालो। ए, बिल देता है कि मरम्मत करूं? दे, शराबत से दे दे। शराबत क्या लिखाऊ, पैसे नहीं। नहीं। ए, कैसे तुम जैसों से पैसे वसूल करने हैं मैं जानता हूँ। क्या? अरे पैसे के लिए पैसे हुआ, पैसा तो मरे आता। अभी बताता हूँ। चल चल बताओ। चल इन बोतलों के अंदर दारू भर, सारा पैसा वसूल करूंगा। अच्छा अरे अरे बताओ। काम तो बढ़िया मिल गया मुझे, सारा काम अभी खत्म करता हूँ। आज की तारीख
दुश्मनों को छोड़ दिया कोतवाल ने, मेरा परम प्रिय मित्र जेल में छूट दिया। इस कोतवाल की शह से राजू और स्वर्णा कुछ भी तो कर सकते हैं। वो क्या करेंगे बेटी? गीता को मार सकते हैं वो, और उसके बाद मुझे जेल में बंद मोहन को जेल ही में मार सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा, इस कोतवाल के होते नहीं। राजू जमींदार साहब का बेटा है तो उसे जरा होशियारी से पकड़ना होगा। कोतवाल जमींदार के रूप से दब गया तो क्या किसी तरह के लालच में आ गया? तुम जानती नहीं हो जमींदार ज्वालामुखी है, करतूते जान जाए अगर बेटे की तो खुद ही उसे मार डाले। तो दर्शन करवाइए, उन्हें बेटे की करतूते मैं बताऊंगी। ठीक है, तो तुम्हें जमींदार से मिलवाने के लिए तुम्हारे साथ कोतवाल को भेजता हूँ, सुबह चले जाना दोनों। ठीक, आप खा लो। ओ कोतवाल। जी हजूर।
ये बेटियां कौन है? धूले के राम बहादुर की बड़ी बेटी। राम बहादुर की बड़ी बेटी है, जानता हूं मैं उन्हें। क्यों बेटी, राम बहादुर कैसे हैं? मर गए। हाँ, मर गए? कब? जब आपके राजन ने उनको मारा। क्या बेटी, मेरे राजू ने खून किया उनका? असंभव। इसी को असंभव कह गए आप तो, और कैसे सुन पाएंगे? हमारा घर भी लूटा है उससे, बहन की इज्जत भी लूटी है। गलत, बिल्कुल झूठ। तुम्हें लड़की समझकर छोड़ रहा हूँ, वरना कोई मेरे राज्य पर इल्जाम करे तो मैं उसका खून पी जाऊँ। सब प्यार करते हैं अपनी औलाद को, लेकिन अपने खूनी बेटे की हिमायत आपको शोभा नहीं देती। आप चाहे तो बुलाकर पूछ लें उससे। पूछता, अभी पूछता। राजू, राजू। क्यों बेटी, अपनी आंखों से तुमने देखा है उसको ये गुनाह करते हुए? जी नहीं, अगर कहीं मैं होती उस जगह तो डैडी की हत्या न होती, फिर आपके बेटे की लाश पहुंचती आपके घर। क्या, मेरे घर तुम उसकी लाश पहुंचाती? बहुत बहादुर बनती हो तुम समझती क्या हो? मेरे राजवंश का अकेला ही बारिश है वो, मैं उसी पे जिम्मेदारी का बोझ डाल के मरूंगा। क्या डैडी, इस लड़की की बात सुनो, उन्हीं डाकू और जाने क्या क्या बता रही है तुम्हें। और आप सुन रहे हैं, 500 वर्षों से ये खानदान अपनी प्रजा की सेवा कर रहा है, उसकी इज्जत पर कोई झूठा इल्जाम धरे ये आपने बर्दाश्त कैसे कर लिया? जाने दो, इस बेचारी की गलतफहमी दूर कर दो। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कुछ? नहीं, तुम नहीं पूछ सकते। तुम्हारी डैडी के सामने इतनी हिम्मत कैसे हुई? ठहरो कोतवाल, मैं पूछता हूँ। हाँ तो बेटे, तुमने इसकी बहन या डैडी को कभी देखा है? ना कभी देखा है और ना कभी देखने की ख्वाहिश ही है। होगी कैसे, तूने एक को मार डाला, दूसरे की इज्जत लूट ली। डैडी, ये जिल्लत मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। क्यों आप सबके सामने मुझे जलील करवा रहे हैं? चलता हूँ। हाँ। देखा कितना भावुक है मेरा बेटा। सबकी औलाद भावुक होती है, ये बाप कह रहा है, जमींदार नहीं। ललिता, सीमा में रहो, मैं बात करता हूँ। और क्या बात है ललिता? मेरी बात मानिए हजूर, अपने इस बेटे पर जरा नजर रखिए, ये किसी रोज भी आपके उजले दामन पर मैल लगा देगा, मैं साबित कर सकता हूं, और वो सबूत भी ऐसा है कि आप मान जाएंगे। बेटे को आप जैसा समझते हैं वैसा नहीं है, वो बिगड़ चुका है, यकीन कीजिए हजूर, रात जुए खाने में बैठे खुद देखा है मैंने उसे। मेरा बेटा इतना नीच नहीं हो सकता, नामुमकिन। आप बेटे के प्यार में बंधे हुए हैं, बुराई नहीं उसकी देख पाते। कोतवाल, तुम किससे बातें कर रहे हो जानते हो? तुम्हें ये नौकरी मैंने दिलवाई है, अगर मैं तुम्हें ये नौकरी दिलवा सकता हूँ तो तुमसे छुड़वा भी सकता हूँ, याद रहे। मालूम है आप छुड़वा सकते हैं, लेकिन जो उपदेश मुझे दिया था वो भी मत भूलिए। हर हालत में ईमानदार रहने का उपदेश दिया था आपने मुझे, भगवान को भी क्षमा न करने का उपदेश, उसी पर अमल कर रहा हूँ। ललकार रहे हो मुझे? फर्ज निभा रहा हूँ, और जो कुछ कह रहा हूँ सबूत है उसका। बर्बाद की हुई लड़की मरी नहीं, अभी जिंदा है। कहाँ है? हकीम जी के दवाखाने में, आपके बेटे के दिए हुए जख्म भर रही है वो। जिस दिन गवाही देने के लायक हो जाएगी मैं ले आऊंगा, उसी दिन आपको भी अपने बेटे के साथ कचहरी तक आना पड़ेगा। मुझे यहाँ के जमींदार को साधारण लड़की के लिए कचहरी तक खरीदोगे? मेरा वकार, मेरे वकार का क्या होगा? इंसाफ करने से तो बढ़ेगा ही। चलता वो लड़की कहाँ है जो बाहर आई थी? बहुत देर पहले चली गई। चली गई?
हकीम जी, हकीम जी आओ। कोतवाल, ललिता कहाँ है? यहाँ तो नहीं आई। यहाँ नहीं आई, बहुत पहले आ चुकी है हवेली से। तो कहीं उन गुंडों के हाथ न पड़ गई हो? तुमने उसे अकेली छोड़ा ही क्यों? जमींदार जी से कुछ खास बात करनी थी, इसलिए भेजा था बाहर बैठने को। सब बातें तुम ललिता और जमींदार दोनों के सामने करने वाले थे ना, फिर बाहर क्यों भेजा? बताता हूँ हकीम जी, आप जानते हैं जमींदार का स्वभाव, पराये के सामने अपने घर की बात नहीं सुनते, खफा हो जाते हैं। होने दो, यूं जमींदार से तुम घबराने लगे तो इंसाफ कर चुके। हकीम जी, आपको मालूम है मैं घबराता नहीं हूं, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं कड़वा ना बोलूं, सख्ती करूं तो लाचारी से, खुशी से नहीं। खैर, ललिता गुम है, अगर ललिता को ले गए हैं तो गीता भी उठ सकती है, रात के वक्त आकर वो लोग इसे मार भी सकते हैं। घबराइए मत, हिफाजत के लिए पुलिस भेजता हूं, रात को दो जवान पहरा देंगे, आपका दवाखाना नजर में रखेंगे, खुद भी होशियार रहिएगा, ललिता आ जाए तो खबर दीजिएगा। ठीक। तुमने उसे खिला दिया, तुम क्या खाओगे? तुम और को दो तो भगवान तुम्हें देता है, मेरा पक्का दोस्त बन गया अब ये, मैं जो भी कहूंगा करेगा। सुन भैया, जा उस मोटी की थाली तो खा ला। हाँ, उधर उधर जा, उधर 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 ना। हाँ, शाबाश, जा 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 जा। तुम्हें शर्म नहीं आती छोटे से बंदर को मार रहे हो? दांत तोड़ दूंगा। छोड़ दे इसे। ना छोड़ू तो कोबड़ा बिगाड़ दूंगा।
लगाई दिया है, छोकरा बंद है जेल में और छोकरी हमारी अपनी क्लब की कोठरी में। अब डर काहे का है? यही तुम्हारी भूल है। हकीम के घर गीता मौजूद है अभी और खतरा उस छोकरी से भी है। हाँ तेरी, ये तो हम भूल ही गए। ये बुलबुल बची रही तो फिर हम सबका गोविंदा। तो क्या फिर उसकी आज रात हद तेरे की मैं कर दू बुलबुल का बोल दूं गोविंदा? तो सोचते क्या हो, जाओ काम खत्म करो। हाँ तेरे की, ये कोई काम है? तुम कहो तो जेल में इस छोकरे को देखाऊं। उसे मैं खुद देखूंगा, उसको तो फांसी चढ़वाकर ही दम लूंगा। यही नहीं, सबसे खतरनाक कांटा रास्ते का है ये कमीना कोतवाल। इस कुत्ते की नौकरी भी छुड़वानी होगी। बहुत अच्छे, क्या बढ़िया बात की है। लेकिन छोटी से तो स्वर्णा निपट लेगा, मगर ललिता से तुम निपट लो। अभी जाकर निपटता हूँ। एक घर से मेरे खात्मे से पहले मना लो जलसा। धक पैसे की नोटी। पड़ी से निपटने का हुक्म मिल गया। सुबह मेरी सूरत देखी तेरा प्यारे बाबा, तुम्हारी तकदीर खुल गई। हमारी सबकी तकदीरें खुल गई समझो। बस जरा रास्ता साफ हो जाए, फिर हमें वो बीजापुर का खजाना लूटना है। हम सब करोड़पति बन जाएंगे। कोतवाल, कोतवाल क्या है? अब और इंतजार नहीं होगा मुझसे। स्वर्णा को तुम पकड़ नहीं सके हो, अब मुझे खुद पकड़ना होगा जाकर। तुम जेल में हो, यहां से तुम भाग नहीं पाओगे। ए मोहन, बता के थोड़ी भागते करे, अब कल मुझे भी भागना है। क्या बता रहा हूं? क्यों रे, तू दोनों को एक साथ समझ रहा है? मैं हर काम बता के करता हूं। ठीक है ठीक है, अगर तुम बता के करते हो तो मैं सोच के करता हूं। चल भाग यहां से। हां भागता हूं, क्या और बोलो। हाँ, सोचो। Yeah.
जरा होशियार रहना, मैं दवा खाने तक होकर आता हूँ। जी अच्छा, मैं अभी आ जाऊंगा। जी हजूर। नहीं ठहरो, मैं उसे निपट कर आता हूं। अच्छा Thank you.
यमराज से भी एक बार बच सकते हो बेटा, लेकिन मेरे हाथ से बिल्कुल नहीं बच सकते। अब बोल, वो चोरी के जानवर बेचे थे ना? नहीं। वो बेचे। ललिता के डैडी का कातिल कौन है? उसका घर किसने लूटा? मैंने। बॉस कौन है? राजन है ना? हाँ। तो चल सबके सामने कबूल कर। इस पर नाम लिखा हुआ है, स्वर्णा का नाम लिखा हुआ है। तो ये उसी का चाकू है। वही था। अब मैं उसे कानूनन पकड़ सकता हूं। क्या मालूम कब पकड़ो। मोहन की बात पर विश्वास कर लिया होता तो क्यों आती ये नौबत। सही है, मोहन काफी होशियार है, भाग निकला है वो जेल से भी। वो जरूर स्वर्णा के पीछे गया होगा। ये तो ठीक है, ललिता भी गायब है, उन बदमाशों के हाथ में पड़ गई हो। ढूंढो उसे। अभी जाता हूं। मां अरे हड्डी हड्डी टूट रही है, ये घोड़ा भी गधे बराबर है यार, बन गया। अरे धात तेरेगी। कोतवाल, ये रहा स्वर्णा, मुझे चोरी के जानवर इसी ने बेचे थे। चल बोल, जल्दी बोल। अरे मर गया। बोलता हूँ। कोतवाल जी, जानवर चोरी करके मैंने ही इसके पास बेची थी। ये सच है? तुम्हारे ऊपर जो इल्जाम गलत फहमी में लग गए उनके लिए मुझे अफसोस है मोहन। ललिता, मेरा काम पूरा हो चुका, अब ये तुम्हारा मुजरिम है। मैं इस कुत्ते को तिल तिल के मारूंगी। मेरा घर इसी कुत्ते ने तबाह किया है, मैं अब इस कमीने का खून पी जाऊंगी। रुक जाओ, मुझे फांसी लग चुकी होती इसकी वजह से। मैं पूछ लू तुम्हें, बैग तूने लूटा था ठीक है ना? मैं तो बता बेटा, मैं लूटा। बता दे डैडी। बॉस तुम्हारा राजन है ना, बता। अरे हाँ, राजन। सुना कोतवाल जी, अगर आप हम दोनों को सूली चढ़ा देते तो ये इंसाफ कैसे होता बताइए। इसको फौरन फांसी दीजिए और राजन को भी ढूंढकर उसे तख्ते पर लटकाइए। ठीक है, अब उसको भी गिरफ्तार करके कानून के हाथ में सौंपता हूँ। कोतवाल जी, वो जमींदार है, उसे पकड़ना मुश्किल है। हरगिज नहीं, अगर सब गांव वाले मेरे साथ चलें तो अभी ले आए उसको। जरा सोचिए, आपके गांव में आपकी आंखों के सामने एक रईस ज्यादा आपकी बहू बेटियों की इज्जत लूटता है, आपके घर लूटता है, आपके भाइयों को कत्ल करता है। उठिए और एक साथ होकर मुकाबला कीजिए। सब मिलकर जमींदार के घर चलिए और उसके बेटे को घटित लाइए। चलिए चलिए। इंसाफ का खून कोई नहीं कर सकता। हे कोतवाल, हवेली पे उधम मचाने आए हो? उधम मचाने नहीं, कातिल को पकड़ने आया हूं। कौन है कातिल? राजन, आपका बेटा। तुम कौन हो? इंसाफ का तलबगार हूं, सच्चाई का मददगार हूं। उस दिन आप नहीं माने थे हुजूर, आज एक आपके बेटे का साथी लेकर आई हूँ, ये सब कबूल कर चुका है। सच है, बॉस बताता है ये राजन को। क्यों स्वर्णा, बात सच है? जी हाँ, सच। गलत, बकवास। ये नीक जो कह देगा उसे आप सच मान जाएंगे? ये स्वर्णा सारा किस्सा कबूल कर चुका है। इसको मैं जानता हूँ, बड़ा जलील आदमी है, लेकिन मेरा इसकी दलालत से कोई संबंध नहीं। नहीं नहीं, अभी इसे देखकर बता। राजू सच बता, कभी नहीं देखा तूने इसे? इसको जबरदस्ती नहीं उठा ले गया था, इसकी इज्जत नहीं लूटी थी? का खून पी जाऊंगी। ललिता,
जल्दी मत करो। जल्दी मत करो, अब तो देर हो चुकी। गीता मेरी आंखों के सामने मर गई, अब ये बाप के सामने मरेगा। ये खून कहलाएगा। सजा देने का हक सिर्फ कानून को है, सब लोगों को नहीं। इसे जरूर फांसी होगी, सबके सामने फांसी होगी। खून है तो होने दो, कोई बात नहीं। गीता मर गई, कैटी भी मर गए, जीऊंगी भी अब मैं किसके लिए? मैं इसका खून जरूर पीऊंगी। जमींदार जी, सबके सामने, सब गांव वालों के सामने ही मासूम की जिंदगी खत्म कर दी गई। इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए? अब भी आंखें खोलिए, ये मोह छोड़िए और इंसाफ कीजिए अपनी प्रजा से। दीजिए हमें कातिल। क्यों नहीं मानेंगे? सिपाही बुलाकर बुलवा डालिए सबको। बुलवा डालू? अभी लो, लेकिन इन्हें नहीं, तुम्हें खून डालूंगा। मैं अपने खानदान के माथे पर लगे कलंक न धो डालूंगा आज। मुजरिम कोई भी हो, सजा मिलनी ही चाहिए। कुतवाल राजन को और स्वर्ण को मैं सजाए मौत का हुक्म देता हूं। धर्मदास जी, मोती मोती, क्या हुआ? ये क्या हो गया? राजन को सूली पर चढ़ा रहे हैं। क्या? हमारी सरकार इस मुकदमे का फैसला सुनाते हुए हुक्म देती है कि अपराधी राजन और स्वर्णा ने कितने ही बड़े बड़े अपराध किए हैं। अपराध हैं डाका, बलात्कार और खून। अपराध इनके बहुत खौफनाक हैं, इसलिए दोनों को फांसी पर लटकाने का हुक्म मिला है। Thank you.
भगवान तू कितना दयालु है, सारा इधर कर दिया, अब सिर्फ एक ही और बची है, वो भी उठा लेता हूँ। ठहर। राजन और स्वर्णा की लूट का माल है, आप इसे असली मालिकों तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, तुम बहुत ही दिलेर इंसान हो, कितनी मदद की है तुमने सरकार की मोहन, सारे समाज का भला किया है तुमने और खुद को भी निर्दोष साबित कर दिखाया है। तुम्हें मैं एक तोहफा देना चाहता हूँ। तोहफा हम भी देखें। तुम अपना हाथ तो दो मुझे। हाँ।